बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किचन में हो रहा है जी बहुत ही मज़ेदार सा खाना तैयार, और इसके लिए मैंने ऑयल में डाला है चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, साथ में कटी हुई सब्ज़ मिर्च, कटा हुआ टमाटर और प्याज शामिल किए हैं, और इसके साथ टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च डाली है, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया और साबुत जीरा। और लें जी, हो गया हमारा मसाला तैयार। और ये है जी हमारे पास कटी हुई शिमला मिर्च। हाँ बिल्कुल आपने ठीक पहचाना जी, आज हो रही हैं मिक्स सब्जियां तैयार किचन में। और ये बाकी खाली बैग है मेरे पास, जिप लॉक बैग, इसमें से सब्जियां हमने निकाल ली हैं। और सब्जियां मैंने एक दिन पहले काट के जो है वो फ्रिज में रख दी थी। इस तरह ये होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और आप जल्दी जल्दी खाना भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें सब्जियां बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, कितना ग्रीन ग्रीन कलर है इन शिमला मिर्च का, ये बिल्कुल दिखने में फ्रेश लग रही है। और हालांकि ये एक दिन पहले मैंने इसको काट के, तो इनको मैंने इस तरह से बैग्स में डाल के तो रख लिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जितनी सब्जी है उसके मुताबिक आप जिप लॉक बैग लें और उसमें सब्जी को आप डाल के फ्रिज में रख दें। और यहाँ ये मोंगरे हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, ये मटर और आलू है, और देखें आलू जो है ये हमने छोटे छोटे काटे हुए हैं, इनको मैंने हल्का सा बॉयल किया है ताकि, क्योंकि ये ज़रा टाइम लेते हैं गलने में। और ये है जी मेथी बारीक बारीक कटी हुई, और गोभी जैसे आपको नज़र आ रहा है इसे मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया, इसके फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा मोटा मोटा रखा है। और वाह जी वाह क्या खूबसूरत कलर है इन गाजरों का, कितनी रेड रेड सी सुर्ख सुर्ख सी गाजरें हैं। और ये देखें ये आलू के साइज़ की मैंने छोटी छोटी काटी हैं। और यहाँ पे मेथी को डाल दिया है मैंने मसाले में, क्योंकि मसाला हमारा हो गया था तैयार, और उसके साथ ही मैंने डाल दी गाजर और गोभी। और अब ये बारी है जनाब इसकी मोंगरे, आलू और मटर की। तो चलें जी, ये भी चले गए हमारे मसाले में, गोभी में और गाजरों में, और सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से कर लेनी है मिक्स। और हमने इनको डाल दिया 10 से 15 मिनट के लिए दम पे, और लीजिए जी शानदार सा कलरफुल सा खाना हमारा तैयार हो गया है। और देखें आप सब्जियां जो हैं ये बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं, कितनी कलरफुल नज़र आ रही हैं, इनका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और ये बिल्कुल नहीं मिक्स हुई, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं। गोभी के फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, और लेकिन यार ये इतनी मज़ेदार बनी है। और अब आप इसको खाएं पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ, तो मैं तो इसको खाऊंगी जी, वो पंजाबी में कहते हैं ना चुपड़ी हुई रोटी, हाँ जी बिल्कुल गर्मा गर्म चपाती के ऊपर देसी घी लगा के, तो इस मिक्स सब्जी के मैं लूँगी मज़े। तो चलें जी चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार इसको ज़रूर सब लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगती तब भी सब्सक्राइब कर लें, इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकूँगी। तो चलें जी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।